चतरा के दंतार गांव में धूमधाम से मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी बाबूराम नारायण सिंह की 138वीं जयंती। पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि बाबूराम नारायण सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। चतरा जिले के दंतार गांव में प्रखर स्वतंत्रता सेनानी सह संविधान सभा के सदस्य बाबूराम नारायण सिंह की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह भाजपा नेता जनार्दन पासवान तथा विशिष्ट अतिथि तेतरिया पंचायत के पूर्व मुखिया पारसनाथ सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबूराम नारायण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। मौके पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि बाबूराम नारायण सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, जिनके आदर्श को आज अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने आजादी के समय जो बातें कही, वे आज 7 दशक के बाद देखने को मिल रही है। पूर्व मुखिया ने कहा कि रामनारायण बाबू के कृतित्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बचपन से ही उनके रंगों में ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके लिए अपना पराया से बड़ा राष्ट्रभक्ति थी। जिला परिषद सदस्य चंद्रदेव गोप ने कहा कि बाबू राम नारायण सिंह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने संसद में योग विश्वविद्यालय की स्थापना तथा झारखंड अलग राज्य की मांग की थी। उनके द्वारा लिखित पुस्तक स्वराज लुट गया से आज के राजनीतिक लोगों को सीख लेनी चाहिए। रामनारायण बापू के सुपुत्र डॉक्टर प्रमोद नारायण सिंह ने दंतार गांव को विकसित करते गांव में स्वतंत्रता सेनानी सह संविधान सभा के सदस्य बाबूराम नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की। कट। स्वतंत्रता सेनानी सह संविधान सभा के सदस्य बाबूराम नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मौके पर पूर्व प्रमुख कमल कुमार केसरी, कामेश्वर साहू, विपिन बिहारी सिंह, बालेश्वर मिश्रा, डॉक्टर प्रसिद्ध कुमार सिंह, डॉक्टर पीएन सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर राजा राम सिंह, सुरेंद्र सिंह, गौरव कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, संजीत कुमार सिंह, राणा राहुल प्रताप, गौतम सिंह, विपुल कुमार सिंह, जिनेन्द्र कुमार सिंह सहित परिवार के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राम नारायण बाबू के सुपौत्र डॉक्टर प्रमोद नारायण सिंह ने किया। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
जैसा आप सब लोग जानते हैं कि बाबू राम नारायण सिंह जी के जयंती मनाई जा रही है, और आप सब जानते होंगे कि बाबू राम नारायण सिंह एक इंसान नहीं, हम कह सकते हैं एक विचार थे, और ऐसे दुर्गम माता कौलेश्वरी के ये मनोरम, हम कह सकते हैं कि माँ कौलेश्वरी के प्रांगण में उनका जन्म हुआ था, चतरिया गांव में, एक छोटे से गांव के रहने वाले। और आप जान रहे थे जब देश की आज़ादी, उस समय भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया था, आज़ादी के समय में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब भी जब कांग्रेस का शासन इस देश में लागू हुआ, उस शासन से भी वो संतुष्ट नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि ऐसे विभूति आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम जयंती के माध्यम से उनका जो विचार था, उनका जो नीति और उनका जो सिद्धांत था, हम सब बताने का काम कर रहे हैं, और उसी पर परिचर्चा हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि विचार कभी मरता नहीं है, आदमी जहाँ हो वो आज नहीं है, लेकिन उनके विषय में बोलने की जो समय सीमा है वह बिल्कुल बांधा हुआ नहीं है, मतलब जितना बोल सकते हैं रामनारायण बाबू के बहुत कम होगा। बिल्कुल आदमकद प्रतिमा लगाया जाएगा, ये हमारा भी सोच था कि आदमकद प्रतिमा लगे उनके नाम पर, और हमको लगता है कि जैसे यहाँ पर विद्यालय भी खुलना चाहिए। हम लोग इस संदर्भ में बात करेंगे, अभी चूंकि बोलना बहुत ज़्यादा, झूठ बोलने की तो आदत हमारी है नहीं, हम देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जिस गांव से निकल करके, उस सुदूर क्षेत्र से निकल करके और दिल्ली तक की संवैधानिक यात्रा की, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पंचायतों के बारे में बेबाक रूप से अपने विचार दिए, उनको आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम को उनके गांव से ही किया जाए। कांग्रेस की सेवा चाहे भाजपा की सेवा, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उनको कांग्रेसी कहा जाता है, तो वो कांग्रेस तभी तक कांग्रेस के साथ रहे जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। जैसे ही बापू ने कहा कि कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हजारीबाग से सांसद बने, और भाजपा के उस समय तो जनसंघ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परम मित्रों में एक थे, और जम्मू कश्मीर की जब यात्रा हुई थी तो उनके ये सहयात्री थे और काफ़ी दिनों तक जम्मू कश्मीर में उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री ने पिछले अपनी चुनावी सभा में जिक्र किया था इसका, और ये भी जिक्र किया था कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, न कांग्रेस जनों ने दिया न दूसरे लोगों ने दिया। तो ऐसी स्थिति में भावी पीढ़ी को तो ये बताना होगा ना कि वो कौन थे, और जो चीज़ है सही में 24 कैरेट, तो उसकी पूजा आज न कल होगी। आप लोग क्या मांग है सरकार से? क्या मांग करूं? सरकार से यही चाहूंगा, उम्मीद, कि उनकी कृतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए, और उनके गांव को, जैसे चतरा जन्मभूमि तो नहीं कर्मभूमि रही है, दंतार गांव, चतरा उनकी जन्मभूमि रही है, चतरा का तेतरिया गांव, तो दंतार में भी उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, ताकि कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों में संतुलन बना रहे। आजकल के युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? आज के युवाओं के बारे में क्या कहा जाएगा? काफ़ी वो दिमाग रखते हैं, काफ़ी मेधावी हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि युवा मुख्य धारा से जुड़ पाने में बहुत सहज अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि युवाओं को रोजगार देना सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन शायद युवाओं की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। आज 138वां जयंती है, और जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों का क्या मांग है, और क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार अपनी आँख खोल दे इस गांव के दृश्य को देखकर, जहां टूटी फूटी सड़कें हैं, एक ज़माने में सड़क काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, वो बदहाल है।
यहाँ देख लें स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ है नहीं। भवन तो है, डॉक्टर पिछले 40 साल से यहाँ नहीं है। एक ज़माने में यहाँ MBBS डॉक्टर अपनी सेवा दिया करते थे, ये बदहाल है। तो सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य बहाल करने के लिए यहाँ एक चिकित्सक देने का कष्ट करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि गांव में जो भी चीज़ें हैं अब तक उसी समय की हैं, तो उसको सिर्फ अगर मेंटेन कर दिया जाए, जैसे बिजली यहाँ 1962 से है, लेकिन अगर इसको मेंटेन कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा। बात बाकी जो शिक्षा का स्तर अभी है गांव का अच्छा है, स्कूल उन्हीं के ज़माने का है, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहा है, बच्चे राज्य स्तर तक जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जड़ को तो सींचना होगा ना, जड़ सींचना हम भूल गए हैं और जड़ के ऊपर जो है सबसे फुतुंगी वहाँ पानी पटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यही सरकार से मांग करूँगा कि उन पर लगातार शोध चलता रहे, अनवरत शोध चलता रहे, और इन उनके विचारों को जो प्रधानमंत्री स्वयं अपने भाषण में चर्चा करते हैं कि संविधान सभा में रामनारायण बाबू ने पंचायती राज की बात कही थी, पिछले हफ्ते अमित शाह जी आए थे गृहमंत्री BSF हजारीबाग में, उन्होंने इनकी जब चर्चा की कि रामनारायण बाबू महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तब लगता है कि हमें अपने को अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि हमारी महानता, हमारी प्रतिभा तब बाहर आएगी जब इससे लोग रूबरू हों, जानकारी हो।